स्टूडेंट्स लेटवील स्टार्ट विथ द सेन ऑफ एक्चुरियल साइंस आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यू माइट हर्ड अबाउट दिस वर्ड कॉल्ड जैसे सब बच्चे जानते हैं ऑल स्टूडेंट्स नो कि साइंस के स्टूडेंट्स दोज वर ऑप्टिंग फॉर पीसीएम, दे हैव अ करियर कॉल्ड इंजीनियरिंग राइट Those were opting for PCB. They have a career for medical. Those comma students, they have, they become CA, CS, right? For mathematics students, they can proudly say that we have one career, which is only for those students who are good at numbers, who love to play with numbers. That is actual science. And students, I want to tell you a very Why actual science? First of all, those, for all those students. जो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं फेस करना चाहते जैसे आईआईटी आई जेई में यू हैव वन परसेंट सिलेक्शन रेट ओनली वन परसेंट सीटर मतलब पंद्रह लाख लोग एडमिशन एग्जाम देते हैं सिर्फ एक परसेंट सीट के लिए सेम इज फॉर द मेडिकल सेम इज फॉर दी एस सी एस ऑल अदर गवर्नमेंट जॉब वाई टू ट्राइप इन सच कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड वेन वी हैव आर पैशन बिहाइंड नंबर्स प्लेइंग विद नंबर्स दैट इज एक्चुअरियल साइंस हाँ जी स्टूडेंट्स पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको ये कोर्स करना क्यों है फिर ये कोर्स है क्या ये कौन इस्तेमाल करते हैं इस कोर्स को और कैसे कैसे कहां जॉब करते हैं और आप इसे करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं राइट फर्स्ट कि वाई वी नीड दिस काइंड ऑफ अ करियर फर्स्ट द फर्स्ट पॉइंट इज आई डोंट वॉन्ट गो इन अ वेरी कॉम्पिटेटिव फील्ड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर समथिंग न्यू यस विच हैज अ फ्यूचर फॉर दो स्टूडेंट्स एक्चुअल साइंस इज देयर

लेकिन स्टूडेंट्स दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ एक्चुअल जहां पर पार्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की भी डिमांड है दिस इज द ओनली प्रोफेशन इन द वर्ल्ड विद पार्ट क्वालिफाइड्स आर इन ह्यूज डिमांड यस स्टूडेंट्स ये उन सब बच्चों के लिए भी है जो भाई हर कोई नहीं बनना चाहता बाद में जाके सारे पेपर नहीं पास कर पाता तो दे आर कॉल्ड एज पार्ट क्वालिफाइड नेक्स्ट और बच्चा क्यों करे इस कोर्स को आपको कॉलेज करना है कॉलेज के साथ कोई ऐसा कोर्स आप कर सकें प्लस का जमाना है स्टूडेंट्स आजकल आप प्लस में क्या करते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ आप के पास कर सकते हैं। yes, students, जो लोग रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं रिस्क अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्चुअल साइंस इज मेजरली अबाउट मिनिमाइजिंग द रिस्क अब बच्चे सोचेंगे सर ये रिस्क क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में रिस्क है बेटा जी आपके फोन के गिरने का रिस्क टूट जाएगा आपकी हेल्थ खराब होने का रिस्क आपकी लाइफ का रिस्क आपका बिजनेस एकदम से ड्रॉप हो सकता है खराब हो सकता है खत्म हो सकता है उसका रिस्क आपकी लाइफ में जो भी रिस्क है जिसको आप पैसे से इवेलुएट कर सकते हैं हां जी जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में बात कर सकते हैं वो सारे रिस्क हम मिनिमाइज करते हैं एक्चुअली ये स्टूडेंट्स बाय वे ऑफ कैलकुलेटिंग बाय वे ऑफ कैलकुलेटिंग प्रीमियम ये स्टूडेंट हम आपसे प्रीमियम चार्ज करते हैं जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी वाले आपसे चार्ज करते हैं तो सोचो ना सबसे पहले तो बिजनेस देखो स्टूडेंट्स आप सब लोग सरप्राइज रहेंगे इतने बढ़िया बिजनेस में इंश्योरेंस वाले बेचते क्या है दिस सिल द रेरेस्ट इवेंट देखो आपकी लाइफ को आप ही को बेच रहे हैं हर साल आपसे प्रीमियम चार्ज करते हैं आप अच्छे घर में रहते हैं अच्छा खाना खाते हैं अच्छी दवाइयां लेते हैं अच्छी फैसिलिटीज अवेल करते हैं फिर भी साल में जाके प्रीमियम देते हैं सर मेरा इंश्योरेंस का प्रीमियम सेलिंग सेलिंग द इवेंट दैट्स इंश्योरेंस बिजनेस इज ग्रोइंग लिप्स एंड बाउंड मार्टिन आप देखिए स्टूडेंट्स टाटा ट्रक बनाता था टाटा ए आई जी इंश्योरेंस ए आई जी के साथ मिलकर इंश्योरेंस खोल लिया बजाज स्कूटर बनाता था बजाज अलायंस मैक्स के हॉस्पिटल्स थे मैक्स न्यूक लाइफ आईसीआईसी बैंक था आईसीआईसी लुम्बार्ड आईसीआईसी प्रोडेंशियल इंश्योरेंस आ गया बेटा और नए एंट्रेंट भी हैं बेटा वीडियो कॉन टीवी बनाता था वीडियो कॉन इंश्योरेंस एक्साइड बैटरी बनाता था ट्रक्स की बैटरी एक्साइड इंश्योरेंस हर कोई थोड़े दिनों में आप लोगों को हल्दीराम और बीकानेर इंश्योरेंस भी मिल जाएगा क्योंकि बेस्ट बिजनेस है बल बिजनेस है वे सेलिंग आई सेट दिस सेल द रेयरस्ट इवेंट और सबसे ज्यादा डिमांड में है ऐसी प्रोडिक्शन है कि बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी सिक्सेंट मोर जॉब फॉर रिस्क मैनेजमेंट ये जैसे जैसे आपकी लाइफ में रिस्क बढ़ता है आपको एक्चुअली जरूरत पड़ती है रिसेशन प्रूफ आपकी ग्रोथ आपके हाथ में है ऐसा प्रोफेशन बेटा जहां पर आप चाहे जितना मर्जी ग्रो कर पाए देर इज नो ग्लास सीलिंग ज नो ग्लासिंग मीनस कई बार आपको लगता है स्टूडेंट्स की आप वहां पहुंच सकते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते बट वेरियल स्टूडेंट विद कोर्स हैज एन इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस यस ग्लोबली रिकग्नाइज प्रोफेशन है एक्चुअरियल साइंस मन में आ रहा होगा सर है क्या जल्दी से बताओ ये क्या कोर्स है किस बारे में आप बात करना चाह रहे हैं यस स्टूडेंट्स आपको पता है इकलौता ऐसा कोर्स है जिसमें आप किसी भी कंट्री में पढ़ने जा सकते हैं बिना जी आर जी मैट सेट दिए कोई आपको जी आर जी मैट सेट देने की जरूरत नहीं है यू कैन फ्लाई इन द वर्ल्ड विद साइंस यस लेकिन फिर से याद दिला रहा हूं ये उन सब बच्चों के लिए है जिनको नंबर से खेलना अच्छा लगता है यस yes, उन सब बच्चों के लिए ये फेवरेट कोर्स है आजकल तो स्टूडेंट्स लोग एम सी बीटेक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये बड़ा फेमस था पहले पे यार बीएससी कंप्यूटर साइंस चाहिए मुझे मुझे एम करना है नहीं आजकल जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन हो रहे हैं जो भी ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग पे काम हो रहा है वो सारा का सारा कोडिंग का, का काम है और वो कौन करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग जिनको नंबर से खेलना अच्छा लगता है ये स्टूडेंट्स ऑल मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स दे प्ले विद नंबर्स दे डिजाइन कोडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग जैसे कोर्सेज भी यही लोग करते हैं

हम हर चीज को पैसे में कैलकुलेट कर लेते हैं पता है स्टूडेंट्स हमारे यहां पर बच्चे जिनको नंबर से खेलना अच्छा लगता है आपके आसपास जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो सब आप नंबर्स में कैलकुलेट कर सकते होते हैं मतलब पहली ऐसी पढ़ाई आप पढ़ने जाएंगे एक्चुअल साइंस में कि जो आप फॉर्मूला भी यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन का तो क्यों कर रहे हैं और आपकी लाइफ में कहा काम आने वाला है ये सब आप एक्चुअल में सीखेंगे मतलब अगर आप फॉर्मुला भी पढ़ेंगे ना उसका एप्लीकेशन कर रहे होंगे जॉब में यहां पर कोई भी चीज वैसे ही नहीं है कि कोर्स में डाल दीजिए नहीं हर चीज का एप्लीकेशन पढ़ते हैं फास्ट बताते, तो IIT से, से बताते हैं हम लोग तो ये हमारे स्किल होते हैं अब सबको लगेगा सर ये टफ होगा पक्का क्योंकि लोगों ने एक तो मैथ्स को बड़ा डरा रखा है जबकि सुनो स्टूडेंट्स काफी सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा सर ये कोर्स भी था कईयों को पता होगा क्यों नहीं मैं बताता हूं इसका रीज़न क्या है सबसे पहले तो मैथ्स वाले बच्चे ही कम मिलते हैं जिनको मैथ्स पसंद होता है जिनका पैशन होता है हाँ डेटा इकट्ठा कर लो आप मैथ्स वाले बच्चे आपको बहुत कम मिलेंगे उसमें से भी एस्ट्रो साइंस पता हो तो वो और कम हो गए और पता चलता है ज्यादातर वो ग्रेजुएट हो जाते हैं या बारहवीं क्लास कर लेते हैं उसके बाद पता चलता है सो आई रियली वॉन्ट टू थैंक्स यी स्कूल्स एंड थैंक्स अबाउट एक्चुअल साइंस इन फ्रंट ऑफ यू ऐसा खूबसूरत कोर्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्या है मैंने आपको बताया जैसे कि ऑयल के प्राइस बढ़ने से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये कैलकुलेशन एक्चुअलीज करते हैं और आपको पता है और आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो आप लोग कार जैसे मारुति है टोयोटा है हुंडई है ये भी एक्चुअली हायर करते हैं जी किस लिए हायर करते हैं आप भी सोच रहे होंगे अरे भाई मेरे पास इस साल इतने कस्टमर्स ने मारुति खरीदी नेक्स्ट ईयर कितने खरीदेंगे ये कैलकुलेशन की फोकास्टिंग कौन देगा एक्चुअलीज आपके मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मौसम विभाग में कौन काम करते हैं एक्चुअलीज कसिनोज में गेम डिजाइन करते हैं कि कसिनो कभी भी लॉस में ना जाए प्रॉफिट में रहे कौन करता है ये एक्चुअलीज स्टूडेंट्स वी आर एवरीवेयर तभी तो हमें हनुमान जी कहते हैं इनमें सारी शक्तियां आप बोलो कोई सी एफ ए कर रहा है सी ए कर रहा है कुछ भी कर रहा है कोई भी कोर्स हम उसके हर कोर्स को टच करते हैं बहुत अच्छे से हम अपनी स्पेशलाइजेशन खुद डिसाइड करते हैं हम वो हैं एक्चुअल स्टूडेंट या एक्चुअल साइंस कोर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि क्यों हमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए सबसे पहले एक जरूरी बात ये सारी कंपनी जो मैंने आपको बताई हर कंपनी इंश्योरेंस में आ रही है क्यों आ रही है हमारे इंडिया की पॉपुलेशन का सिर्फ 24 परसेंट लोग इंश्योर्ड है मार्केट पोटेंशियल बता रहा हूं सिर्फ 24 परसेंट मतलब मार्केट पोटेंशियल खाली है 76 और ये तो मैं बात कर रहा हूं जनरल इंश्योरेंस की जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है जहां पर लाइफ इन्वॉल्व नहीं होती बच्चों शॉर्ट टर्म इसको दो तरीके से देखा जाता है एक तो लाइफ इन्वॉल्व नहीं है उसको जनरल बोलते हैं जब जो इंश्योरेंस बहुत छोटे समय के लिए होते हैं छह महीने से पांच साल के लिए उनको भी जनरल इंश्योरेंस बोला जाता है जैसे कि मोबाइल का इंश्योरेंस कार का स्कूटर का घर का बिजनेस का अपने जैसे मेरा इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है मेरे का इंश्योरेंस मेरी मेरी हेल्थ का, मेरी हेल्थ का का फैमिली की ये सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जनरल में एंड दिस इज द बिगेस्ट मार्केट उस मार्केट में भी सिर्फ 24 परसेंट है तो इतना बड़ा ह्यूज गैप तभी हर कंपनी इस फील्ड में आना चाहती है बेस्ट बिजनेस yes, क्योंकि आपके पापा ने भी कम से कम छह से आठ इंश्योरेंस परचेज कर रखे लोगों का कार का इंश्योरेंस बाइक का इंश्योरेंस घर का इंश्योरेंस मोबाइल का लैपटॉप का इंश्योरेंस सोचो एक आदमी आठ आठ इंश्योरेंस करा रहा है और एक साल बाद वो खत्म हो जाएगा फिर अगली कंपनी से फिर से दोबारा इंश्योरेंस कराना है मार्केट इज कॉम्पिटेटिव यस इसीलिए यहां पर इतने लोग आ रहे हैं इतनी कंपनीज आ रही हैं और रिस्क तो बढ़ता जा रहा है लाइफ में हेल्थ का रिस्क बढ़ रहा है लाइफ का भी बढ़ रहा है रिस्क बढ़ रहा है तो एक्चुअली डिमांड बढ़ रही है आपको पता है जैसे आपने सुना होगा अनडमी कितनी वैल्यू हो गई बायजूस की वैल्यू ये सब भी हम एक्चुअलीज ही हैं हम ही करते हैं इवेल्युएट वट इज द राइट वैल्यू ऑफ ए कंपनी यस लक्स लक्स साबुन है की लक्स का प्राइस नहीं बेटा क्या प्राइस है उसका

Number three, even a part qualified. If a student doesn't pass all the papers, a part qualified are in demand. If you pass few papers, few, as few as one paper, there is a career for you. Yes, and that those papers you have to pass after class 12th. If you want to have a career, globally recognized career, international acceptance, then this is the degree for you. This is the course for you. Yes, if you are interested in forecasting, this is the career for you. तो स्टूडेंट्स ये इस करियर के बारे में बात करने जा रहा हूं एक्चुअल साइंस राइट इसमें हम करते क्या है प्लीज नेक्स्ट स्लाइड देखिए मेरी एक्चुअल साइंस इट्स अ स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स इसमें ये सब पढ़ते हैं अब आप सोचोगे सर नाम साइंस है पढ़ा रहे हो स्टैट्स और इकोनॉमिक्स ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा सर अरे भाई हर चीज हमारे इंडिया के हिसाब से नहीं चलती है हमारे इंडिया में साइंस कॉमर्स आर्ट्स होता है वरना ऐसा कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं। science means logic. Yes. Where there, किसी भी चीज़ को आप numbers में कर कर सकते हैं, we use the word science. Logically prove कर सकते हैं, हैं, राइट right? हमारे पास कॉमर्स वाले बच्चे भी होते हैं इंजीनियर भी होते हैं सीएस भी होते हैं मतलब सीए करने के बाद भी एक्चुअली करने आते हैं लोग हमारे पास सोचो अब आप क्या कोर्स होगा फिर ये इस कोर्स में हम मैथ्स स्टैट्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पढ़ते हैं बेटा

जीरो परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली फाइव इन एज भी है आपकी तो भी आप अपॉइंटेड एक्चुअली हैं आपकी साइनिंग अथॉरिटी है स्टूडेंट्स एंड दिस प्रोफेशन इज इक्वली टू इंजीनियर डॉक्टर लॉयर लॉयर्स बट विद लेस कॉम्पिटिशन हायर सक्सेस रेट यस नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट एक्चुअली टॉप जॉब्स कम से कम दो बार टॉप टेन जॉब्स में आ चुका है बेटा ये दो बार टॉप टेन में एक बार नंबर वन दो बार नंबर जॉब पे आ चुका है अच्छा आप सोचेंगे सर वन अलग हैं इनकम भी है जॉब आउटलुक कैसा है स्ट्रेस कितना है आपकी फिजिकल डिमांड कितनी है ये चारों और इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या है इसका ये चार पांच फैक्टर्स के बेसिस पे किसी भी जॉब को टॉप टेन जॉब में रखा जाता है और स्टेटिस्टिशियंस और मैथमेटिशियंस और एक्चुअरीज अमंग अमंग द द टॉप टॉप जॉब्स जॉब्स यस स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्लीज अच्छा अगर आप किसी बच्चे को करना है तो क्या आना चाहिए भाई मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए आपको नंबर से खेलना अच्छा लगता है यू आर मोस्ट वेलकम मजा आ जाएगा अरे भाई जो भी आपने अपने ट्वेल्थ में पढ़ा होगा वो सारा का सारा एक घंटा पढ़ाएंगे हम और आप बोलोगे कि सर ये यहां इस्तेमाल होता है अच्छा इसे ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में क्योंकि सोचो ना आपने जो भी मैथ्स के फॉर्मुले पढ़े या कुछ भी किया वो लाइफ में कहा इस्तेमाल कर रहे हो आप एक्सेप्ट एडिंग एंड सब्रैक्टिंग थिंग्स एंड मल्टीप्लाइंग थिंग्स कैलकुलेटिंग एरियाज एंड ऑल थिंग्स प्रैक्टिकल लाइफ में फाइनेंशियल लाइफ में वी आर एक्चुअली इंटरेस्टेड ओनली इन मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स नथिंग लेसर देन दैट और कहां इस्तेमाल कर सकते हैं क्या क्या स्किल चाहिए कंप्यूटर स्किल्स चाहिए बेटा हाँ जी आपका अगर कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है क्योंकि हम जो भी करते हैं उनकी एप्लीकेशन को कंप्यूटर में रन करते हैं थ्रू एक्सेल एडवांस एक्सेल आर सैस ये सारे सॉफ्टवेयर में हम उनको रन करते हैं बेटा हाँ जी और एक और चीज चाहिए बेटा यू शुड बी अ बैलेंस पर्सन यू कैन सी बोथ साइड ऑफ द कॉइन अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप दोनों तरफ से उसको जज कर पाए यू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आप में होनी चाहिए ये तीन फैक्टर्स हमें चाहिए अगर आपको ये सब है देन यू आर रेडी टू दिस हैर्स एक्चुअल अब ये मैंने बताया आपको इंश्योरेबल पॉपुलेशन और नॉन सिर्फ इंश्योर्ड है 76 है अनइंश्योर्ड ये तो मैं जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो पांच परसेंट से कम लोग इंश्योर्ड है सिर्फ इंडिया में ये फाइव परसेंट से कम कितना बड़ा इंडिया मार्केट है किसी भी कंपनी के लिए और कितनी ग्रोथ है और आपको लग रहा होगा सर ये तो नया कोर्स है ये नया कोर्स नहीं है स्टूडेंट्स 1960 से हमारे इंडिया में ये फेमस अब क्यों हो रहा है क्योंकि रिस्क अब बढ़ रहा है पहले भाई मुश्किल से कोई कार दिखती थी रोड आराम से क्रॉस हो जाती थी एक्सीडेंट का डर नहीं था पैसे चोरी नहीं होते थे ठीक है तो रिस्क कम था अब रिस्क बढ़ रहा है तो इसलिए इसको अवेयरनेस बढ़ रही है इसकी नेक्स्ट वट एक्चुअली डू एज आई सेड स्टूडेंट्स सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी में क्या करते हैं ये ये प्रोडक्ट को इवेलुएट करते हैं डेवलप करते हैं उसकी प्राइसिंग करते हैं कि उसका सही प्राइस क्या हो कि कम से कम पैसों में आपको मैक्सिमम बेनिफिट देना ये कैलकुलेशन हम करते हैं बेटा राइट गवर्नमेंट इंश्योरेंस के डिपार्टमेंट में काम करते हैं रिव्यू लॉज एंड रेगुलेशन करते हैं एडवाइस करते हैं क्लाइंट्स को कैसे पेंशन स्कीम्स आप पता है रिटायर कब होंगे पता हम ये भी कैलकुलेट करते हैं बच्चों कि आप कब तक जियोगे जी वी कैलकुलेट कि आप कब तक जियोगे और जब तक जियोगे आपको हमें पेंशन देनी है रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने हैं ये सारी कैलकुलेशन हम एक्चुअली करते हैं अच्छा आप सोचोगे हमारे इंडिया में तो पेंशन है ही नहीं हाँ जी स्टूडेंट्स हम आउटसोर्स करते हैं काम हम यूके यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड जापान सभी कंट्रीज के लिए इंडिया से आउटसोर्स करते हैं एक तरह से यू मानिए ये सारी कंपनीज इंडिया में है कौन सी कंपनीज आप हैरान हो जाएंगे सुनकर बिग फोर पीडब्ल्यू सी प्राइस वाटर आप हमारे वी आर द कंसल्टेंट फॉर कंपनीज़ हमारे यहां से बच्चे हायर करते हैं और पीडब्ल्यू है। है e yes, सी में आप यहां से डायरेक्ट प्लेसमेंट और एक बात तो मैं बताना भूल गया स्टूडेंट्स पता है आपको इकलौता ऐसा कोर्स है पूरे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है आप एग्जाम पास करें और आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है एल आई आपका किसी भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कोई भी गवर्नमेंट की फर्म्स है बैंक है एसबीआई है उन सब में आपको डायरेक्ट जॉब मिलती है विदाउट फॉलिंग इन टू एनी एंट्रेंस एग्जाम ट्रैप उसमें नहीं फॉल करना है आपको सीधा इकलौता प्रोफेशन है यस नेक्स्ट प्लीज कहां कहां आर द मेजर ऑफ वर्क देखिए ध्यान से यहां पर लाइफ इंश्योरेंस जन इंश्योरेंस सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग गवर्नमेंट सर्विसेज रिस्क मैनेजमेंट एजुकेशन हेल्थ केयर पेंशन डायरमेट बेनिफिट स्कीम्स स्टैटिस्टिकल सर्विसेज पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइस इन सब में काम करते हैं मतलब आप कोई भी फील्ड कोई भी डिपार्टमेंट देख लो हम वहां पर मिलेंगे आपको स्टेटिस्टिशंस वहीं मिलेंगे एक्चुअली सुनोनमस नाम ये भी है स्टैटिस्टिशियन भी बोलते हैं इनको हुँ. ये रोल है कंपनीज़ में जनरल इंश्योरेंस में क्या करते हैं वो मैंने आपको बताया प्राइसिंग रिजर्विंग ये सब काम करते हैं बेटा ये सब पीपीटीज आपको शेयर कर दी जाएगी नेक्स्ट प्लीज हेल्थ एंड केयर में क्या करते हैं हेल्थ मतलब हेल्थ इंश्योरेंस यस फिर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या जॉब करते हैं प्राइसिंग करते हैं आप वहाँ पर भी लाइबिलिटी को मिनिमाइज करते हैं आपके रिस्क को मिनिमाइज करते हैं यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताते हैं आपको हाँ जी नेक्स्ट प्लीज अपॉइंटेड एक्चुअली अपॉइंटेड एक्चुअली वो होता है स्टूडेंट जिसने सारे एग्जाम पास कर लिए टोटल पेंशन में क्या रोल है Funding का, evaluation का, investment का, ये, ये पीपीडीज में लिखे आप पढ़ सकते हैं अब सुनिए अब आप करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं इस कोर्स को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बेटा देर आर ऑप्शन पहला स्टूडेंट्स आप एक्चुरल डिग्री भी कर सकते हैं यूके से यूएस से जहां पर आपको ये पेपर पास माने जाते हैं जैसे ट्वेल्थ के बाद आप सीधा बीएससी एक्चुअल एक्चुरियल या एमएससी एक्चुअल डिग्री कर सकते हैं जिससे कि आपके पेपर एग्जाम हो जाते हैं आपको पास नहीं करने पड़ते लेकिन उसका एक्सपेंसिव अफेयर है वो अप्रोक्सीमेटली फोर्टी टू फिफ्टी लैक्स यस इज द एक्सपेंस फॉर द डिग्री प्रोग्राम तो आपको सस्ता अच्छा बताते हैं तो

सोसाइटी से एग्जाम पास करना है नहीं मैंने कहा ना इंटरनेशनल कोर्स है आप यूके सोसाइटी से यूएसए से ये सोसाइटीज हैं जो आपको सर्टिफिकेशन देंगी तो जिनसे आप एग्जाम पास कर सकते हैं राइट अब सर इतनी सारी सोसाइटीज हैं कैसे डिसाइड करें किससे पास करें किससे नहीं करें ये मैं आपको कंपैरिजन अभी दिखाता हूं सबसे पहले इंडियन सोसाइटी का सिस्टम बताता हूं क्या है वहां पर इंडियन सोसाइटी ने क्या कर रखा है कि आप हमारा एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दे जिसका नाम है एसीईटी टी एक्चुअल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जिसमें वो इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग मैथ स्टैट्स और डेटा इंटरप्रिटेशन ये सब पूछते हैं ये साल में दो बार एग्जाम होता है इसको पास करने के बाद अगर ये एग्जाम आपका पास हो जाता है एंट्रेंस एग्जाम तो आप एक्चुअली कर सकते हैं मेंबरशिप ले सकते हैं एग्जाम पास कर सकते हैं तो इंडियन सोसाइटी ने अपने यहां मेंबरशिप देने के लिए एंट्रेंस एग्जाम रखा हुआ है ओके जी अब मैं आपको यूके सोसाइटी दिखाता हूं नेक्स्ट ये है यूके सोसाइटी आईएफओए इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुअलीज यूके यहां पर अगर क्लास में ट्वेल्थ में मैथ्स में अगर आपके ये 85 परसेंट है ये पुरानी स्लाइड है मेरी अगर आपके 80 परसेंट मार्क्स है ट्वेल्थ मैथ्स में एटी मार्क्स है आप डायरेक्ट यूके सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं और आप एग्ज़ाम पास करना शुरू कर देते हैं आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अब आप बच्चे सोचेंगे सर यूके जाना पड़ेगा इसके लिए अरे नहीं भाई उनके एग्ज़ामिनेशन सेंटर यहां पड़ते हैं इंडिया में यूके सोसाइटी सबसे बड़ी सोसाइटी है पूरे वर्ल्ड की हाँ जी जिससे जो भी इंडियन सोसाइटी हमारी जो इंडिया की सोसाइटी है जिसको हम आई बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअल ऑफ इंडिया उनके पास जो स्टडी मेटल है वो यूके वालों का ही है एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी जो है वो यूके वालों की ही है पर एक ड्रॉबैक है इंडिया का अगर आप कोई भी एग्जाम इंडियन सोसाइटी से पास करते हैं ना तो वो पूरे वर्ल्ड में बाकी सोसाइटीज उसको एग्जाम्प्ट नहीं करती हैं उसको पास नहीं मानती लेकिन अगर आप यूके सोसाइटी से पास करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में उसको एग्जाम्प्ट मानते हैं और पास मानते हैं क्योंकि वो इंटरनेशनल रिकगनाइज है और उस करिकुलम को फॉलो करती है जो पूरे वर्ल्ड में करिकुलम फॉलो होता है लेकिन हम इंडियन से हमारी अपनी मर्जी चलती है तो इसलिए वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं अब खर्चा खर्चा फर्क है बेटा इंडिया की कॉस्ट और यूके की कॉस्ट में ट्वेंटी फाइव परसेंट का डिफरेंट है मतलब अगर कोई भी एग्जाम पास करने के लिए इंडिया से आपको थर्टी से थर्टी फाइव थाउजेंड लग रहे हैं पर एग्जाम तो यूके से आपको फोर्टी से फोर्टी फाइव थाउजेंड लगेंगे इतना फर्क है बस पर एग्जाम पर लेकिन एडवांटेज भी है एक इंडिया से जो पास परसेंटेज है किसी भी एग्जाम का वो टेन टू फिफ्टीन परसेंट है मतलब अगर पूरे इंडिया में हंड्रेड स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं इंडियन सोसाइटी से तो दस से पंद्रह पास करते हैं बट वेयर एज इन यू के सोसाइटी वहाँ पर पासिंग परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी टू तो सिक्सटी परसेंट है अगर हंड्रेड बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो पचास से साठ बच्चे पास करते हैं अच्छा फिर भी और एडवांटेज बताओ यूके से क्यों करें क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा हमारे यहाँ पेंशन स्कीम्स नहीं है हम सारा काम आउटसोर्स करते हैं तो हमें वहाँ से पास करने में और फ़ायदा है क्योंकि हम उन्हीं की पढ़ाई पढ़ते हैं राइट right, उन्हीं हमारे यहाँ पर हॉरे नहीं आते बेटा वहाँ आते हैं हम वही पढ़ते हैं तो जो प्रॉब्लम्स होती है वैसे ही पढ़ा जाता है तो ये भी एडवांटेज है सो so, अगर आपको एग्ज़ाम पास करने हैं फिलहाल के लिए तो ये एग्ज़ाम आप क्लास ट्वेल्थ के बाद पास करना स्टार्ट कर सकते हैं यूके सोसाइटी से ट्वेल्थ में अगर एटी मार्क्स आ जाते हैं तो यूके सोसाइटी से मेंबरशिप लेके आप पास करना शुरू कर सकते हैं और सुनो बच्चों अगर किसी बच्चे के 80 से थोड़े कम रह जाते हैं 75, 76 तो वो मुझे बता दे आई एम ऑथराइज कि मैं उनको रिक्वेस्ट करके आपको एडमिशन दिला सकता हूँ तो इस बात के लिए बेफिक्र रहिएगा किसी के दो तीन परसेंट कम रह जाते हैं तो अगर हम उन्हें रिकमेंड कर देते हैं तो वो बच्चे एडमिशन ले सकते हैं आराम से उसके लिए घबराइएगा मत लेकिन हाँ अगर आपके मार्क्स सेवेंटी या सेवेंटी या सेवेंटी से कम है सो आई डोंट वॉन्ट यू शुड मतलब आप नहीं आइए इस प्रोफेशन में क्योंकि यहाँ मैथ्स लवर्स के लिए है ये हाँ लेकिन कई बार एक्सीडेंट हो ऐसा होता है कि बीमार हो गए एग्जाम के दिन इस वजह से मार्क्स कम आए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं आप हाँ मेरा नाम मनीष मलिक है और अल्फा प्लस मेरा इंस्टीट्यूट है खैर मैंने ये सब बातें आपको मोटे तौर पर बताई हैं अगर आपको वन टू वन काउंसलिंग भी करनी है तो वो भी मिलती है तो इंडियन सोसाइटी में एग्जाम पास करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस कॉस्ट कम है ट्वेंटी फाइव परसेंट कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू एनी अदर सोसाइटी डिसएडवांटेजेस आपको पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा नंबर वन जिसके लिए छह महीने खराब होंगे आपके नंबर टू आपके जो एग्जाम्स हैं वो इंटरनेशनली एग्जाम्ड नहीं होंगे ये दूसरा डिसएडवांटेज नंबर थ्री डिसएडवांटेज जो पास परसेंटेज है किसी भी एग्जाम का वो टेन टू फिफ्टीन परसेंट है वो कम है काफी यूके सोसाइटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज सबसे पहला कि आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना यूके सोसाइटी से आप सीधा एग्जाम पास करना शुरू कर सकते हैं अगर आपके परसेंट मार्क्स हैं तो दूसरा एडवांटेज अगर आपके परसेंट मार्क्स नहीं है सिक्सटी है फिर भी आप पैशनेट है कि मुझे एक्चुअल करना है तो वहां पर एक फैसिलिटी दी है विंडो है विंडो वो विंडो क्या है आप एज ए नॉन मेंबर एग्जाम दे सकते हैं नॉन मेंबर मतलब मेंबरशिप मत लो आप कोई भी एक एक्चुअल का एग्जाम पास कर लो अगर आपका एग्जाम पास हो जाएगा तो वो आपको मेंबरशिप दे देंगे बड़ी अच्छी बात है सर कोई एंट्रेंस फिर से नहीं है जो पढ़ना है जो एग्जाम पास करना है वही एग्जाम देना है अपने को राइट तो ये विंडो है उनके लिए दोज पैशनेट मुझे कोर्स करना है पर मेरे ट्वेल्थ में कम मार्क्स हैं उनके लिए विंडो खोली हुई है उन्होंने कि विदाउट टेकिंग मेंबरशिप आप एग्जाम पास करें और एग्जाम पास हो जाएगा आपका एक तो आपको मेंबरशिप भी मिल जाएगी और एग्जाम भी पास माना जाएगा करेक्ट है बच्चों अब ये एग्जाम कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करते हैं जरा साल में दो बार एग्जाम होते हैं बेटा ये अप्रैल में होते हैं और सितंबर में होते हैं अब जैसे फर्स्ट स्टेप में सेवन एग्जाम्स हैं ये ये सेवन एग्जाम्स हैं जैसे एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स कोर स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं इसको स्टेटसिक्स के दो एग्जाम वन टू मैथमेटिक्स के दो फाइनेंस का एक इकोनॉमिक इसमें से सी बी वन सी बी टू सी बी थ्री का जो पास परसेंटेज रिजल्ट है वो सेवन अब सी बी थ्री का हंड्रेड परसेंट रिजल्ट है आता है हमेशा सी बी वन सी बी टू का सेवेंटी परसेंट ऊपर है और सी एस वन और सी एम वन पेपर का फिफ्टी परसेंट से ऊपर है और सी एस टू और सी एम टू का फोर्टी परसेंट से ऊपर है तो मतलब ये पहले सात पेपर हैं इनमें से अगर आप कोई एक पेपर भी पास करते हैं यू आर एलिजिबल टू टेक अ अ जॉब इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड और कौन सी कंपनीज 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 मैंने आपको companies, सारी मोर देन हैं इंडिया में अक्रॉस द इंडिया दिल्ली मुंबई बेंगलोर चेन्नई यहां पर हैं सारी कंपनीज जो आपको हायर करती हैं ये फर्स्ट स्टेज में सेवन एग्जाम्स हैं सातों पास करने पड़ेंगे आपको तो पहले सात पेपर पास हो गए लेकिन कोई बच्चे कहते नहीं सर मैंने चार पेपर पास करने के बाद मेरा सेट हो गया ठीक है ग्रोथ और कमाल की स्टूडेंट्स कमाल की बहुत ध्यान से सुनो मेरी पता है, अगर आपकी प्लेसमेंट हो जाती है सारा खर्चा कंपनी उठाएगी आपके एग्जाम का पहली बात दूसरा ट्रेनिंग भी देगी आपको एग्जाम पास करने के लिए तीसरी बात आप हफ्ते में पांच दिन जाते हैं अब चार दिन जाइए तीन दिन आपको स्टडी लीव्स एक दिन और छुट्टी आप पढ़ो एग्जाम के लिए और आपको पता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब्स कंपनीज तो 20 -20 दिन की छुट्टी देती है आपको एग्जाम के लिए पेड लीव दे रहे हैं हम लोग और पहला तो सारा खर्चा कंपनी दे रही है दूसरा छुट्टियां दे रही है तीसरा ट्रेनिंग दे रही है चौथा सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपका एक पेपर पास होता है कंपनीज आपको पचास हजार से ले कर डेढ़ लाख रुपए तक का पर ईयर सैलरी इंक्रीमेंट देती है पर पेपर इत डिप, अब इतनी बड़ी वेरिएशन क्यों है अरे भाई ए है ए कंपनी पैंतालीस हजार रुपये देती है वहीं पे कोई और कंपनी है वो सवा लाख या डेढ़ लाख देती है आर एस ए तो कंपनी टू तो कंपनी सिस्टम वेरी करता है पता है इतना बच्चे कम है इतना कॉम्पिटिशन कम है हमें यहाँ पर एक बच्चे के पास ऑप्शन होती है सर किस कंपनी में जाऊँ चार कंपनी ऑफर आ गई मेरे को तो मैं जाऊँ किस में तो ये डिस्कशन करने भी बच्चा हमारे पास आता है राइट right? तो इतना नेक्स्ट लेवल पे है थ्री पेपर है बेटा सीपी वन सी पी टू सीपी थ्री सीपी थ्री का फिर हंड्रेड परसेंट रिजल्ट तो सेवन प्लस थ्री टेन पेपर हो गए अब बन गए आप एसोसिएट एसोसिएट बन जाते हैं आप नेक्स्ट अब स्टेप फोर में फिर आपके पास बहुत सारे पेपर है लेकिन इनमें से कोई दो चूज करने हैं आपको ये उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली बनना चाहते हैं सारे पेपर पास करना चाहते और ऐसा जरूरी नहीं है स्टेप फाइव में फिर से इतने सारे पेपर है में से कोई एक करना आप। तो, तो लगभग वो टू पॉइंट फाइव प्लस ढाई साल में सारे पेपर पास किए किसी बच्चे ने एक बच्चा है वरना एवरेज चार साल लगते हैं पेपर पास करने में तो मैं क्या कहता हूं जब चार साल लगते हैं तो ट्वेल्थ करते ही आप इसकी पढ़ाई शुरू कर दीजिए बाय द टाइम आप ग्रेजुएट होंगे आपके बहुत सारे एग्जाम पास हो जाएंगे और वैसे भी घर वालों ने ग्रेजुएशन तो करानी ही है आपको तो ग्रेजुएशन के साथ साथ ही ना क्यों कर लें टाइम मैनेजमेंट सैटरडे संडे फ्यूचर का और मंडे टू फ्राइडे फैमिली और कॉलेज और फ्रेंड्स का तो टाइम मैनेजमेंट आप करेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे क्योंकि आप करियर बनाने के टाइम आ गया है आपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम पास किए होंगे बच्चों आज तक इलेवेंथ क्लास तक टेंथ तक ट्वेल्थ तक बहुत एग्जाम पास किए होंगे बस ये एग्जाम लेकिन आपको करियर देंगे एक एग्जाम भी करियर देगा आपको दैट इज दिस करियर इज ऑल अबाउट और मैं इसकी अवेयरनेस 2003 से पढ़ा रहा हूं बेटा घर घर जाके बता रहा हूं कि ये कोर्स बहुत अच्छा है जो मैथमेटिक्स जिनका पसंद है तो बच्चे लें इस कोर्स को राइट right? और अगर आप ये थर्टीन पेपर पास करते हैं तो आप एक्चुअली बन जाते हैं फेलो बनने के लिए फिर एक्सपीरियंस यही होता है आपको जॉब में सीखते हैं सारी चीजें आप तो ये सारे कोर्सेज ये सारे पेपर्स आप पास करते हैं बेटा इस तरीके से अच्छा फिर मैं एक बात दोहरा देता हूँ आपको कि आपको ये पेपर ज्वाइन करने हैं तो सोसाइटी फर्स्ट प्रेफरेंस रखिएगा यूके सोसाइटी जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुरीज यूके 80 परसेंट मार्क्स प्लस हैं तो आप डायरेक्ट मेंबरशिप ले सकते हैं और एग्जाम पास करना शुरू कर सकते हैं साल में दो बार एग्जाम होते हैं अप्रैल सेप्टेम्बर और अगर आपको एंट्रेंस देना है इंडियन सोसाइटी से करना है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा पहले वो भी साल में दो बार होता है जून और दिसंबर में हाँ जी एंट्रेंस होता है जून और दिसंबर में और उसके बाद फिर आपका एग्जाम्स होते हैं साल में दो बार हाँ जी अच्छा एक एग्जाम अगर एक बार में पास नहीं हुआ तो मैक्सिमम थ्री अटेम्प्ट मिलते हैं आपको एग्जाम पास करने के लिए मैक्सिमम थ्री अटेम्प्ट ऑन रिक्वेस्ट आप हमसे रिक्वेस्ट करवाएंगे तो हम चार दिलवाते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ती कोशिश करते हैं मैक्सिमम बच्चे पहले या दूसरे अटैम्प्ट में सारे पेपर निकाल लेते हैं राइट right, बेटा ये वो कंपनीज हैं कुछ लिस्ट है कंपनीज की जो हायर करती हैं आपको बहुत सारी कंपनीज हैं बेटा अब तो बढ़ती जा रही हैं एट्टी प्लस कंपनी तो मैंने एक दिन बैठ के लिखी थी पेन से कि 80 प्लस कंपनीज तो हैं ही आराम है से जो इंडिया में प्लेसमेंट कराती हैं और आपको सरप्राइज होगा कॉम्पिटिशन लेवल कितना कम है आज तक भी इंडिया के अंदर मैक्सिमम टू तो मैक्सिमम आठ हजार स्टूडेंट होंगे सिर्फ एट थाउजेंड स्टूडेंट ओनली पूरे इंडिया में सिर्फ आठ हजार पता है आपको एक-एक कंपनी में 1200 1200 हजार एम्प्लॉय काम करते हैं आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के हमारे अंदर हमारे देश में कितने एक्चुअली हैं आपको पता है एक्चुअली का मतलब जिन्होंने सारे पेपर पास कर लिए हैं आई थिंक 449 और 400 सॉरी uh, uh, 450 इतने हैं आसपास 449 और 450 एक्चुअली जन सिर्फ और पता है आपको ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं 2000 है। हमारे यहां नहीं है सिर्फ 450 और 449 के आसपास ही है मैं एक आधा कम इसलिए बोल रहा हूं किसी डेथ हो गया किसी ने रिसेंटली पास किया हो तो वो ऐड हो जाएगा इसमें वैसे तो नॉर्मली स्टूडेंट्स का ट्रेंड क्या रहता है पेपर चार पेपर पास करते हैं दे फ्लाई एनी जैसे यूके चले गए यूएस चले गए जॉब कंटिन्यू करते हैं कैनेडा चले गए और अपनी जॉब में आगे बढ़ते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस से ग्रो करते हैं किसी बच्चे में पैशन होता है जैसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जिन्होंने सारे पेपर पास किए हैं तो कईयों में पैशन होता है वो फटाफट पहले पेपर पास करते हैं और फिर जॉब करते हैं कई बार बच्चा जॉब में चले जाता है उसको लगता है कि पेपर्स की इतनी वैल्यू है तो वो एक दो साल ड्रॉप करता है जॉब को पहले पेपर पास करता है फिर जॉब में जाता है तो इट डिपेंड्स इट डिपेंड्स इंडिविजुअल सिचुएशन कि आप किस कंपनी में हैं कैसे पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं कैसी डिमांड है कंपनी की उस पर डिपेंड करता है सब कुछ